तो दोस्तों हम आ चुके हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करके, और अब जाने वाले हैं हम माता बाल कुमारी मंदिर, जो कि सामने है। नीलकंठ से थोड़ा आगे जाके, 2 किलोमीटर आगे जाके आपको बाल कुमारी जो माता का मंदिर है तो सामने है। हम जाने वाले हैं आज वहाँ पे, आज आपको भी दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। अगर आपने देखा है तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखें मेरे इस ब्लॉग में। चलते हैं फिर माता कुमारी के मंदिर में। बड़ी टॉप की जगह है गाइस, सामने देख सकते हो आप, पूरा खाली है और सुनसान जगह आज मैं आपको लेके आया हूँ। दोस्तों इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ एक पिंडी निकली थी, और उस पिंडी को जब गांव वालों ने देखा तो उस पिंडी को देखने के बाद यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया गांव वालों के द्वारा। और यह मंदिर काफ़ी पुराना है, और फिर गांव वालों ने यहाँ पे मंदिर बनाया। और सामने ऋषिकेश है, और ऋषिकेश से ऊपर आप देख सकते हो ये रास्ता है कच्चा जहाँ से हमने आए। और पिंडी देखने के बाद यहाँ पे गांव वालों ने यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया, और उसके बाद फिर धीरे 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 करके गांव वालों ने जैसे साल बीतते गए तो यहाँ पे एक अच्छा सा मंदिर का निर्माण कर लिया है। और आज भी वो पिंडी वहाँ पे रखी हुई है गांव वालों ने, और उस पिंडी को देखते हैं आज और आपको भी दिखाते हैं हम। और बने रहे हैं मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉक में, और देखते हैं आगे का नज़ारा। तो दोस्तों ये है माता बाल कुमारी का मंदिर, और यहाँ पे हम अपनी चप्पल चुप्पल उतारेंगे और देखते हैं क्या कैसा है क्या है। तो बने रहे हैं मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉक में, द्वार है और इस पर कुछ नोटिस दिया हुआ है, गांव में बाहरी व्यक्ति को प्रवेश पूर्ण वर्जित है, मंदिर में आने वाले मंदिर से जाने हेतु सीढ़ी के रास्ते का ही प्रयोग करें, मंदिर परिषद में कोई भी नशा या धूम्रपान वर्जित नहीं है। चलते हैं फिर अंदर, देखते हैं आगे का नज़ारा, और पहुंच चुके हैं माता के मंदिर में। ये मंदिर है और यहाँ से चलेंगे हम आगे को, काफ़ी साफ सुथरा है यहाँ पे भी। और सिद्धपीठ माँ बाल कुमारी माता मंदिर जो मैंने आपको बताया, चुके हैं माता बाल कुमारी के मंदिर में, और अंदर का नजारा दिखाता हूं मैं आपको आज। बने रहे ब्लॉग के अंत तक। बोले शिव शंभू मंदिर, यहाँ पे फिर हमने शिव शंभू के दर्शन करने के लिए मिले महादेव और शिव शंभू। तो आज 2 बार हम महादेव के दर्शन कर चुके हैं, और एक बार और Thank you.
ये गणेश जी की मूर्ति है। ये हमारी माता बालकुमारी। दोस्तों सामने रखी हुई है पिंडी और इसी पिंडी के नाम से यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और ये पंडित जी यहाँ ही पे रहते हैं और ये भी पुजारी हैं और गांव के सारे लोग मिलकर यहाँ पे मंदिर को देखते हैं और पिंडी की वजह से ही यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है जो पिंडी रखी गई है। दोस्तों हम आ चुके हैं माता बालकुमारी मंदिर के अंदर और अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से और काफ़ी शांति है यहाँ पे और काफ़ी आते हैं वैसे यहाँ पे जब यहाँ पे आजकल तो कांवड़ बंद है पर कांवड़ के टाइम पे भी यहाँ पे बाहर से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। जब नीलकंठ जाते हैं तो नीलकंठ से होने के बाद यहाँ पे लोग काफ़ी आते हैं और इस मंदिर में तो काफ़ी शांति है, काफ़ी साफ सुथरा मंदिर है ये। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब आगे का नज़ारा कुछ इस तरह से है और यहाँ पे पंडित जी भी रहते हैं और साथ में दीपक है और मैं माता के दर्शन तो मैंने कर लिए हैं और यहाँ पे काफ़ी शांति है और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अगर आप कभी आओ ऐसी जगह पे तो आपको काफ़ी शांति मिलेगी मंदिर के पास। तो भाई सामने शिवपुरी है, आप सामने देख रहे होंगे वो शिवपुरी है और वहाँ से नीचे से हम अभी आए नीलकंठ गए हुए थे तो अब देख सकते हो सामने का व्यू इतना खूबसूरत सा नज़ारा है और काफ़ी सुकून मिल रहा है, काफ़ी सुकून मिल रहा है यहाँ पे, सच में काफ़ी सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके। आप भी आना कभी यहाँ पे, ये ठीक नीलकंठ के ठीक सामने वाले पहाड़ पे और आपको नीलकंठ से सामने दिख जाएगा माता का मंदिर। और हम जब नीलकंठ आए थे तो हमने सोचा आज यहाँ भी जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यार कितना खूबसूरत सा नज़ारा है नीचे का और सामने से अभी हम आए थे, वहाँ से आए थे हम और सामने है नीलकंठ महादेव जहाँ से हमने अभी आए और सामने का व्यू इस तरह से देख सकते हो यार सामने काफ़ी शांति है। और ये सीढ़ियाँ हैं मंदिर की जो सीढ़ियाँ मंदिर के लिए आती हैं और नीचे से वहाँ से रो सड़क है, सड़क से ऊपर आती हैं सीढ़ियाँ और यहाँ पे, और ये है मंदिर जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो इस मंदिर में आए हुए हैं हम आज, रोड से 400 मीटर लगभग दूर होगा। काफ़ी शांति है यार मंदिर में आज और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, कभी कभी सुकून मिलता है कहीं पे जाके, कहीं ऐसी जगह पे जाके सुकून मिलता है जो भीड़ भाड़ में नहीं मिल पाता है, वो शांति ऐसी जगह पे आके काफ़ी शांति मिलती है तो अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाना। और मैं अक्सर ऐसी जगह पे आता हूँ जहाँ पे मेरे को सुकून मिलता हो, तो आज भी ऐसी जगह पे मैं आया हूँ आज। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का और आप भी जब आओगे तो नीलकंठ से आप आराम से यहाँ आ सकते हो, नीलकंठ में आपको सारा कुछ बताया जाएगा तो आप किसी से पूछ के यहाँ पे आ सकते हो। काफ़ी अच्छा व्यू है मंदिर का, सामने आगे का पीछे का तो देख सकते हो। आज का ये ब्लॉक मुक्की पहाड़ी वाला ब्लॉक में, तो यहाँ पे हवन होता है जब भी यहाँ पे कभी हवन होता होगा और नीचे की तरफ सामने का व्यू, यहाँ पे फूल लगा हुआ है मंदिर में, अच्छा लग रहा है। चल सिर्फ मंदिर मंदिर हो तो ऐसा जैसे यहाँ पे कितना साफ सुथरा मंदिर और यहाँ पे फूल लगाए हुए और सामने ही है और यहाँ पे भी फूल लगाए हुए और यहाँ पे टाइल्स लगाई हुई नीचे मैट टाइप की बिछाई हुई सारी वहाँ तक और यहाँ पे बैठने के लिए। काफ़ी खूबसूरत मंदिर है यार, बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया हुआ है, किसी जिस जहाँ भी जो भी गांव वाले हैं। बेलपत्री का पेड़ भी है यहाँ आगे, तो बेलपत्री भी ब्योथा ग्राम ब्योथा के नाम से ये। तो अब चलते हैं हम घर के लिए और काफ़ी टाइम हो गया आज का भी, आमड़ी तो आमड़ी ब्योथा गांव है ये। और गाइस सामने यार जहाँ से नीचे जाना है अब हम नीचे जाएंगे उस वाली रोड पर, हमें ऋषिकेश जाना है। तो फिर चलते हैं और मिलता हूँ मैं आपको दूसरे
किसी दूसरे दिन दूसरे ब्लॉक में। तो आज का ब्लॉग यहीं तक शूट कर रहा हूँ क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है सामने आगे पीछे का, तो आज का ब्लॉग भी यहीं तक। और अब हम जाएंगे ऋषिकेश, कुछ काम करेंगे और काम तो करना ही होगा क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। हमें 1 बजे से पहले ऋषिकेश पहुंचना है, तो अब हम 1 बजे से पहले यहाँ से ऋषिकेश पहुंचेंगे और उसके बाद कुछ काम करेंगे। तो चलते हैं फिर।